हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ MBBPSC, UPPSC, SSC, KVS, NVS, CTET सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही सीरीज, 1 मिलियन GK क्वेश्चन की सीरीज इन हिंदी। YouTube पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको प्री निकालने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। और अगर आप लोग कर रहे हैं MBBPSC मेंस की तैयारी, UPPSC मेंस की तैयारी, CTET की तैयारी, KVS की तैयारी, NVS की तैयारी, तो हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ हमारे चैनल पर चक्कर लगाइएगा आप लोग। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की 1 मिलियन सीरीज़ में कौन से क्वेश्चंस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। आज देखेंगे भारत में संचार व्यवस्था। तो इसके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। क्वेश्चन आता है, रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में 1957 से ही इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा, जिसे संचार सेवा कहा जाता है, इसका प्रारंभ ब्रिटिश काल में हुआ था 1837 में। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी तक चली थी। भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। पिन कोड 15 अगस्त 1872 में आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में आरंभ हुई थी। भारत में प्रथम डाकघर 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन, मतलब तार सेवा जो होती है, वो 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। टेलीफोन सेवा का जो प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था 1881-82 में कलकत्ता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमापुरी थी, मतलब जो एंकर कहा जा सकता है जिसे, और ये प्रतिमापुरी थी दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका। प्रसार भारती का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 1997 में। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक थे J.K. हिक्की। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला एग्जाम में। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को आरंभ हुआ था, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल, और ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका संपादन मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था। भारत में टेलीविज़न या दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था। DTH मतलब डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 को हुई थी। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का आरंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को। MTNL की स्थापना हुई थी अप्रैल 1986 में। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी जनवरी 1995 में। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में ही आरंभ हुआ था। भारत में प्रथम STD सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुआ था। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जिसे MNP कहा जाता है, इसकी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी, जिससे प्रथम चरण में सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 27, ये यहाँ पे कटेंगे, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगी आप लोगों को।
चलिए आगे बात करते हैं भारत में उद्योग की। तो देश का पहला लोह इस्पात कारखाना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लोह इस्पात कारखाना जिसे टिस्को कहा जाता है, टिस्को, इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा साक्ची झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के किनारे नदी घाटी में की गई थी। आगे देख लेते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो उस समय मध्य प्रदेश था, आज छत्तीसगढ़ है, कि भिलाई के दुर्ग जिले में पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस कहा जाता है उसकी सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा में स्थापित है। ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना 1953 में जर्मनी की सहायता से की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की ही एक और शाखा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो कि स्थापित है, इसकी स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों कारखाने, इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी 1968 में, और जो तत्कालीन बिहार, उस समय के बिहार और आज के झारखंड, जो आज झारखंड के बोकारो में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में खोला गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे सेल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया था, जो असफल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, जो कि झारखंड में है, वहां पर 1951 में शुरू किया गया था। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में नेपानगर मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा सूती उद्योग, जो वस्त्र उद्योग है, कपड़ा उद्योग, वो है सूती वस्त्र उद्योग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 में बेंगलोर में हुई थी। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा कहते हैं। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहा जाता है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ONGC कहा जाता है, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है, और सिंदरी कौन से स्टेट में है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए कौन से स्टेट में सिंदरी पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं फिल्म जगत की। तो फिल्म जगत का पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म जो मूक फिल्म थी वो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलमारा वो 1931 में बनी थी, जिसमें अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्देशक आदर्शीर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वॉटसन होटल मुंबई में किया गया था। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुले पाकिस्तान 1926 में बनाई गई थी, बुलबुले पाकिस्तान। स्वर्ण जयंती मनाने वाली पहली फिल्म थी तुकाराम, और रजन जयंती मनाने वाली पहली फिल्म थी कपाल कुंडला। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल। 70 मिलीमीटर में बनी भारत की पहली फिल्म शोले थी। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन दादा साहब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है, इनको भारतीय सिनेमा का जगत जनक भी कहा जाता है। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो था 12.5%।
प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे, जो कि 1992 में भारत रत्न सम्मानित थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी मिर्जा गालिब 1954 में। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निदेशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, जिसका वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी देविका रानी रोरिक, जिसे 1969 में ही पहला पुरस्कार दिया गया था, और प्रथम गीतकार थे मजनू सुल्तानपुरी। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी भारतीय, जो थी वो भानु अथैया थी, जिनको गांधी फिल्म के लिए अवार्ड मिला था, और इनको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इसमें अवार्ड दिया गया था। सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली फिल्म थी टाइटैनिक। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निदेशक हैं श्याम बेनेगल। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जो अभी हमने बात की भानु अथैया की, जिसके निदेशक रिचर्ड एटनबरो थे, तथा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने इसमें निभाई थी। तो आज यहीं ख़त्म होते हैं आज के 1 मिलियन जीके क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 7। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे पार्ट 8 में, कि और कौन से न्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में मैं लेकर आ रही हूँ। तो मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की मिल सके और आप वीडियो को टाइम टू टाइम देख सके। मेरे चैनल पर आप लोगों के काम की बहुत सारी वीडियोस चलाई जा रही हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।